सोचती है सर, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब के पास उस 16 माह में और अब 5 साल की हुकूमत आ रही है तो क्या नया होगा? वैसे तो इसका बहुत मुफस्सल जवाब भी हो सकता है बहुत अलग अलग एंगल से, लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट आई फील दैट ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है कि इस दफा शहबाज शरीफ के लिए नया ही होगा कि मुझे लगता है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि पिछली दफा उनकी परफॉर्मेंस वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा था उनका इदारों के साथ, लेकिन वो जिस तरह से लोगों से मिलते थे, नंबर गेम पिछली दफा भी वही थी जो इस दफा है तकरीबन, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि उनका दूसरी दफा का तजुर्बा है तो शायद मुद्दत ज्यादा मिल रही है। बिल्कुल, और वो उन्हें इस दफा ये एतमाद भी है कि शायद 5 साल गुजर गए, वज़ीर-ए-आला पंजाब उनके अपने हैं। हां हां, इस दफा ये एक अहम चीज है कि ही इज कॉन्फिडेंट। सलमान साहब देखिए, ये पुराना नारा था कि चेहरे नहीं निजाम को बदलो। अब आप शहबाज शरीफ समेत जिसका मर्जी चेहरा ले आए, जो पाकिस्तान के इस वक्त के मारूजी हालात हैं उसकी सलाहियत भी, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सलाहियत भी इनके पास नहीं है कि ये कुछ तब्दील कर सके, क्योंकि इनके हाथ में है कुछ नहीं, सारी चीज़ें तो ये विड्रॉ कर चुके हैं। और ये जो पार्लियमान बनी है, इसके इब्तदाई शुरू होने से हमें नज़र आ गया कि पार्लियमान का मूड जो है वो बड़ा एग्रेसिव है दोनों तरफ से, और ये सारी महाजराई की पॉलिटिक्स होगी। और आप सबसे ज़्यादा देखिएगा इस खेल के अंदर, जो जिनके बारे में कह रही हैं कि शहबाज शरीफ बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो उनके अपने इत्तेहादियों की तरफ से आएगी। इत्तेहादी इख्तियारात लेंगे, इंजॉय करेंगे, जिम्मेदारी किसी किस्म की नहीं लेंगे। वो कहेंगे जनाब ये आपका काम है मईशत का जो आपने बड़ा गलत किया, या आपने मैं इंफरादी तौर पर देखिए, इंफरादी तौर पर जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस आपको कॉन्फिडेंट देती है। परफॉर्मेंस कहाँ से निकलेगी? जो अभी इन्होंने बता दिया था दो अगले महीने देखिए, जब IMF का मामला तय होगा तो हमें पता चल जाएगा कितने कॉन्फिडेंट हैं। और वो तो बता चुके हैं नवाज शरीफ साहब के दो साल तक भूल जाए कि किसी किस्म की कोई मईशत में कोई रिलीफ मिल सकेगा। तो ये बड़ा मुश्किल दौर है जिसमें हम जा रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ को कसूरवार नहीं कह रहा, जो सिस्टम हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसमें वो स्पेस कम है जहां वो लोगों को डिलीवर कर सके।